हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। डिफेंस सेक्टर की असेसमेंट करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, इंडियन एयरफोर्स की पावर बढ़ाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MiG-29 सुखोए 30 MKI फाइटर्स एट्सेट्रा एंड सबको प्रोक्योर करने की बात की है। एंड कुछ जो नंबर्स भी हैं हमें दिए हैं गवर्नमेंट ने कि इतना हम स्पेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, रीसेंट प्रोक्योरमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम कौन कौन सी चीज़ों को प्रोक्योर करने वाले हैं। तो 21 MiG-29 फाइटर्स को प्रोक्योर करेंगे हम रशिया से, ठीक है जी। उसके बाद MKI फाइटर्स जो हैं, एयरक्राफ्ट फाइटर्स, तो उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगा अंडर लाइसेंस फ्रॉम द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारे ऑलरेडी जो 59 एग्जिस्टिंग MiG-29 एयरक्राफ्ट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो हैं उनको प्रोक्योर करेगी गवर्नमेंट। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो 33 फाइटर्स को, नए फाइटर्स को लाया जा रहा है। एंड दीज आर एक्सेप्ट द सॉरी इन एडिशन टू द रफाल फाइटर्स जो कि फ्रांस से हम प्रोक्योर कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस जुलाई, ठीक है जी। तो जो आपका आत्मनिर्भर भारत पुश है उसके बारे में अगर हम देखें, सो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इनसे हम कुछ 10,730 करोड़ के अराउंड जो सुखोई फाइटर्स की प्रोक्योरमेंट के लिए देंगे। एंड दूसरी तरफ हमारे पास जो इंडिजिनसली बिल्ट वेपनरी है वो कुछ 31,130 करोड़ रुपीज़ कॉस्ट करेगी। तो ये जो पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट की लिस्ट हमारे पास आई है इसका 80% जो कॉस्ट है वो इंडिजिनस ही है, ठीक है। एंड जो आपकी इंडियन कंपनीज हैं वो 20,400 करोड़ के अराउंड जो इक्विपमेंट है उनको बनाएगी विद द टेक्नोलॉजी फ्रॉम आवर ओन DRDO, ठीक है जी। तो ये तो कुछ हमारे पास फिगर्स आ गए रिसेंटली फॉर द प्रोक्योरमेंट। अब इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम हमारे डिफेंस सेक्टर का एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रोक्योरमेंट कैसे होती है इंडिया में, एंड देन वील एनालाइज इंडियाज स्पेंडिंग। जैसे बजट में जो एलोकेशन है वो इंडियन डिफेंस सेक्टर में फर्दर कैसे स्प्लिट होता है आगे। नेक्स्ट वील बी कंपेयरिंग इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर विद अदर कंट्रीज जैसे चाइना, USA, UK, तो इनके साथ हम कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे कि कैसे इंडिया का जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उन कंट्रीज़ का पैसा कहाँ खर्च होता है। एंड ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करेंगे, रिसेंटली अगर आप देखें कि क्या दुनिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। एंड देन फाइनली एलोकेशंस की बात करेंगे कि डिफेंस सेक्टर में कैसे हम एलोकेट करते हैं, नेवी को कितना जाता है, एयरफोर्स को कितना जाता है एट्सेट्रा। एंड फाइनली वील बी टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड। तो ये हमारा स्कोप रहेगा इस पूरे वीडियो का। स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। तो इंडिया को रैंक किया गया है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वेपन बायर आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो ये कौन करता है, सिप्री नाम की एक अब थिंक टैंक है जो लिस्ट निकालती है, बेसिकली एक रिपोर्ट निकालती है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एनालाइजिंग द डिफेंस ट्रेंड्स। तो इनके तहत इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर का जो वेपन इंपोर्टर है या लार्जेस्ट वेपन बायर है आफ्टर सऊदी अरेबिया। एंड अगर हम रशिया एंड इसराइल एंड फ्रांस की बात करें तो 56% हम जो हमारे आर्म सप्लाईज हैं रशिया से लेते हैं, 14% इसराइल से एंड 12% लेते हैं फ्रांस से। तो अब आप सोचेंगे कि US भी तो काफ़ी लेवल तक हमें जो सामान है वो दे रहा था, तो इसमें जो बिल्कुल रीसेंट डील्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया हुआ इस रिपोर्ट ने, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 2010 से 2014 तक जो आर्म्स सप्लाई की बात करें तो US ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद 2015 से 19 के अगर हम डेटा एनालाइज करें तो US से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं 51% तक कम हुए हैं। सो ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंपोर्ट्स कम हुए हैं USA से, ठीक है जी। एंड डिस्पाइट डाइवर्सिफाइंग, इंडिया का अगर आप मिलिट्री हार्डवेयर देखें तो 60% हमारा जो आर्सेनल है वो रशियन ओरिजिन सिस्टम का है, तो इसीलिए रशिया हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है फॉर द स्पेयर्स एंड अपग्रेड्स। एंड इसी वजह से हमारी जो रशिया के ऊपर रिलायंस इन नियर फ्यूचर अभी कम होती नहीं दिख रही, ठीक है जी। एंड अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया काफ़ी मीगर 0.2% ऑफ ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट मार्केट का पार्ट है। एंड जो आपके मेजर क्लाइंट्स हैं कौन कौन से हैं, आपके जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से 46% तो म्यांमार को करते हैं आप एक्सपोर्ट, देन 25% श्रीलंका को एंड 14% मॉरिशस को। तो ये ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर है हमारे पास इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री की। अब प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक बॉडी है हमारे पास जिसको डिफेंस मिनिस्टर
एट प्रेजेंट मिस्टर राजनाथ सिंह वो चेयर करते हैं, एंड ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। इसके पैरेलली अगर आप चाहें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 एंड अभी उसका जो रीसेंट अपग्रेड किया है, ड्राफ्ट है लेकिन अभी वो पूरी तरह से पॉलिसी पिक्चर में नहीं आई है, सो डीपीपी 2020 को भी देख सकते हैं। ऑल्दो हमने इसको पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आई विल ट्राई टू अटैच द लिंक ऑफ द वीडियो कंटेनिंग डीपीपी 2020 एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है जी। तो एंड पैरेलली अगर आप एफडीआई लिमिट की बात करें, सो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने जो आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के तहत जो एफडीआई लिमिट है उसको 74 तक बढ़ा दिया है फ्रॉम 49%, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास प्रोक्योरमेंट का ओवरऑल एक पिक्चर आ गई है। अब हम एनालाइज करते हैं इंडिया की स्पेंडिंग को, तो हम 1962 की कंपेरिजन से लेकर प्रेजेंट तक देखेंगे कि एंड ऑन द अदर साइड वील कंपेयरिंग दिस थिंग विद चाइना एज वेल कि किस तरीके से इंडिया की जो स्पेंडिंग है कहाँ पर जा रही है। सो इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए जनरसली इंडिया ने स्पेंड किया है 1962 ऑनवर्ड्स, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें तो जो ट्रेंड्स हैं वो डाउनवर्ड जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1961 में देखें तो 2.1% के अराउंड जो जीडीपी का इंडिया स्पेंड करता था, उसके बाद स्काई रॉकेट कर गया इन द 1980s एंड ऑल। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखें तो रीसेंट डिकेड्स में बिल्कुल कम होकर अगेन हमारे 1961 के लेवल पर ही यानी 2.4% के अराउंड ही आ गया है। तो ये इंडिया की ओवरऑल स्पेंडिंग का अगर आप चार्ट देखें तो रिसेंटली तो कम ही होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो एलोकेशंस हैं वो कम होती जा रही हैं विद टाइम, तो हमारा जो गैप है विद द चाइनीज़ वो और ज़्यादा बढ़ता रहा है। एंड इसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं इस चार्ट में, जैसे अगर हम 1989 में देखें तो चाइना कुछ $11.4 बिलियन के अराउंड स्पेंड कर रहा था, इंडिया 10.6 कर रहा था। अब 2009 तक अगर आप देखें तो इंडिया का जो इंक्रीज़ है काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअल है, ब्लू में देख सकते हैं, एंड वेयर एज जो चाइना का इंक्रीज़ है इट इज़ वेरी स्टीप। तो $261.1 बिलियन के अराउंड 2019 में चाइना ने स्पेंड किए हैं, वेरस इंडिया ने 71.1 ही किए हैं। तो एट प्रेजेंट चाइना 3.6 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस में एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। और आगे अब अगर हम देखें तो कंपैरिजन देखें हम अगर वेरियस इक्विपमेंट्स का, तो चाइना एंड इंडिया में जो आपका पर्सनल है यानी जो आपके लोग हैं एम्प्लॉयड इन द आर्मी या एक्टिव सर्विस में हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो अगर हम रिजर्व पर्सनल को भी इंक्लूड करें तो इंडिया का नंबर ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 3.5 मिलियन, वेयर इज चाइना का 2.7 मिलियन है। बट अगर आप एक्टिव सर्विस में देखें तो चाइना के नंबर्स दे आर मोर। सिमिलरली अगर आप वेपनरी एंड इक्विपमेंट की कंपेरिजन में ये चार्ट्स देखें वेरियस, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे एयरक्राफ्ट भी चाइना के पास ज़्यादा हैं और जो डेडिकेटेड अटैक वेपन्स हैं या व्हीकल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स इंडिया के पास ज़्यादा हैं, ट्रेनर्स इंडिया के पास ज़्यादा हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सब चीज़ें चाइना के पास ज़्यादा हैं, तो उनकी एयरफोर्स को एक एज मिलता है इन सब चीज़ों से। सिमिलरली अगर आप नेवल कैपेबिलिटीज़ को देखें तो यहाँ पर तो हर चीज़ में ही चाइना हमसे आगे है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, हर चीज़ चाइना के पास ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर आप आर्मी की बात करें तो जो टैंक्स हैं इंडिया के पास ज़्यादा हैं, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल्स और जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, रॉकेट प्रोजेक्टर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, फील्ड आर्टिलरी इंडिया के पास ज़्यादा है। तो अगर आप देखें कंपैरेटिवली हम आर्मी में वी आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल एंड इन सम रिस्पेक्ट्स इवन बेटर देन चाइना, बट अगर आप एयरफोर्स और नेवी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है चाइना के सामान की, ठीक है जी। अब हम करते हैं कंपेरिजन इंडिया के डिफेंस एक्सपेंडिचर का, तो अगर आप 2019-20 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उनको देखें बजट के, तो 4.5 ट्रिलियन या अबाउट $59.7 बिलियन जो डिफेंस के ऊपर लगाने का गवर्नमेंट ने सोचा है इस साल, ठीक है। एंड इस इन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बाद इंडिया हैज़ कम डाउन टू द फिफ्थ पोजीशन। तो अगर सिप्री की रिपोर्ट आप पहले देखें 2020 के जो स्टार्टिंग में आई थी, तो उस टाइम पर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर बोला जा रहा था, लेकिन अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बाद जो कोविड 19 के पैंडामिक के बाद इंडिया फिफ्थ पोजीशन पर आ गया है बिहाइंड रशिया एंड सऊदी अरेबिया। एंड इंडिया 2.18% अपनी जीडीपी का स्पेंड करेगा फॉर डिफेंस पर्पसेस, ठीक है जी। एंड ये जो बजटरी फिगर्स हैं इनमें आपकी डिफेंस स्पेंडिंग, सैलरीज, डिफेंस पेंशंस और आपकी जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें कवर्ड हैं।
नाउ लेट अस कंपेयर इंडिया का एक्सपेंडिचर विद यूएस, चाइना, रशिया, यूके एंड पाकिस्तान. तो इंडिया अगर आप देखें अपनी सैलरीज और पेंशन के हिसाब से, अपने पर्सनल को जो उसके पर्सनल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है. हाईएस्ट जो परसेंटेज है इंडिया के डिफेंस बजट का वो अपने सैलरीज और पेंशन में ही निकल जाता है. एंड ये अमाउंट भी कुछ कम नहीं है, इट इज़ 59%. तो अगर 100 रुपीज़ अलॉट किए हैं तो 59 रुपीज़ तो आपकी सैलरीज में निकल जाते हैं. एंड विद द रिमेनिंग 41% आपको जो पूरा मॉडर्नाइजेशन भी करनी है, इक्विपमेंट को रिपेयर, स्पेयर्स एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें ओवरहॉल, वो सब चीज़ें आपको 41% से करनी है. ठीक है जी. एंड इन कंपेरिजन अगर आप देखें तो यूएस, यूके तो ओनली 38% and 30.6% रिस्पेक्टिवली पे करते हैं अपने पर्सनल को. एंड इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी लैविश पेमेंट है अगर आप यूएस और यूके के मिलिट्री पर्सनल की पे देखें तो. इस लिहाज से भी इंडिया अगर आप देखें इतना लैविशली पे भी नहीं कर पाता, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो भी इन सब चीज़ों में निकल जाती है. दूसरी चीज़ देखें अगर हम, तो जो मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा फिर कम पैसा इंडिया के पास ही बचता है. इनफैक्ट इंडिया स्पेयर्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द डिफेंस बजट. तो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो मॉडर्नाइजेशन है, नई चीज़ें खरीदनी है, मान लीजिए कुछ टैंक्स खरीदने हैं या फिर आपने फाइटर प्लेन्स खरीदने हैं, तो 25% से ही करना पड़ता है. एंड चाइना एंड यूके 41% and 42% के अराउंड स्पेंड करते हैं. इनफैक्ट के पाकिस्तान भी 37% के अराउंड अपनी मॉडर्नाइजेशन पे स्पेंड करता है. तो इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे है. अगर इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो यूके क्या करता है, 10-year विंडो में अपने जो सामान को मॉडर्नाइज करता रहता है. इंडिया यहाँ पर भी एक अलग पॉलिसी फॉलो करता है. इंडिया 15-year लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जो अपनी मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, लेकिन उसमें भी अब दिक्कत क्या है कि आपकी जो विश लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है एंड इतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इतना आपके पास पैसा नहीं होता, बजटरी रिसोर्सेज अलाउ नहीं करते, तो अगेन वो चीज़ें फिर दे स्ट्राइक अ लिम्बो. ठीक है जी. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. एंड अगर आप इसी चीज़ को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके देखें तो पाकिस्तान अगर अपने अमाउंट स्पेंड की बात करें ऑन ईच सोल्जर इंक्लूडिंग द सैलरी, इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, तो इंडिया इज़ अहेड ओनली ऑफ पाकिस्तान. अदरवाइज दूसरे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी ज़्यादा कम स्पेंड करता है. इनफैक्ट यूके अगर आप देखें तो $3,67,000 स्पेंड करता है इन ऑन दीज थिंग्स, वेयर एज जो इंडिया है इट स्पेंड्स ओनली $43,000 पर इंडिविजुअल. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक मैन पावर हैवी फोर्स है इंडिया की, बट आर्म इक्विप एंड ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू द एडवांस्ड कंट्रीज़. पूरी डिस्कशन को सम अप करने के लिए यहाँ इस चार्ट में आपको एक बेटर एनालिसिस हो जाएगा. ठीक है जी. आगे देखते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स, दुनिया कैसे स्पेंड कर रही है. तो अगर आप ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखें 3.6% से बढ़ रहा है एंड इनफैक्ट दिस इज़ द लार्जेस्ट इंक्रीज जो 2019 से 2020 में हुआ है विच सिंस 2010. तो 2010 से लेके अब तक 3.6% इज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पाइक जो रिसेंटली हुआ है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे जर्मनी थोड़ा थ्रेटन फील कर रहा है फ्रॉम द रशिया एंड ऑल, क्योंकि अब यूएसए ने अपनी जो नेटो के पीछे जो बैकिंग थी उसको वापस ले लिया है. मोर ओवर अगर आप देखें साउथ चाइना सी में भी जो चाइना की हरकतों की वजह से दूसरे कंट्रीज़ दे आर थोड़े इंटिमिडेटेड, तो इसीलिए सभी कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया का भी यही कहना है कि हम भी अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे काफ़ी हद तक. ठीक है. तो अगर आप ओवरऑल देखें 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स जो हैं वो 62% के अराउंड स्पेंड करते हैं ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. तो जितना पूरी दुनिया स्पेंड कर रही है, मान लीजिए 100 रुपीज़, तो 62 रुपीज़ तो सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ ही स्पेंड कर रही हैं. कौन कौन सी हैं वो 5 कंट्रीज़, यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया. तो जो टॉप 5 हैं आपकी सिप्री की लिस्ट में वो 62% स्पेंड करते हैं. ठीक है. एंड जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है इन 2019 रिप्रेजेंटेड 2.2% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो 2.2% जो है अपनी दुनिया की जीडीपी का वो सारी दुनिया की मिलिट्री स्पेंड कर रही हैं फॉर द मिलिट्री एनहैंसमेंट.
तो इंडिया अगर हम देखें ग्लोबल ट्रेंड में तो कहीं फिट हो ही रहा है, इंडिया भी 2.18 के अराउंड स्पेंड कर रहा है एट प्रेजेंट। तो अगर आप उस लहजे से देखें तो इंडिया ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज के अराउंड स्पेंड कर रहा है, लेकिन अगर आपकी एस्पिरेशंस बड़ी हैं तो दीज अमाउंट्स आर नॉट दैट मच, ठीक है। और मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो यूएस की मिलिट्री स्पेंडिंग भी बड़ी है 5.3% से एंड अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। तो इसमें भी अब ये देखिए कितना ज़्यादा एक चौंकाने वाली चीज़ है कि 62% तो ये पांच कंट्रीज स्पेंड कर रही हैं एंड जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसका 38% तो यूएसए स्पेंड कर रहा है, तो बाकी कंट्रीज़ के पास तो बिल्कुल पीनट्स ही गए ना, ठीक है। तो द इंक्रीज इन यूएस स्पेंडिंग अलोन वॉज इक्वलेंट टू द एंटायरिटी ऑफ जर्मनीज मिलिट्री स्पेंडिचर फॉर दैट ईयर। तो जितना यूएसए ने इंक्रीज कर लिया उतना तो जर्मनी का उस साल का पूरा मिलिट्री एक्सपेंडिचर था। तो आप यहाँ पर जो कंपेरिजन है सुपर पावर्स में वो देख सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम मिलिट्री एलोकेशन इन डिफेंस सेक्टर इन इंडिया भी हम थोड़ा नज़र डालें इसके ऊपर भी कि इंडिया में कैसे कैसे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं, यूटिलाइज होते हैं। तो इंडिया में जो एलोकेशन है रेवेन्यू हेड के तहत थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू हेड वही है जो आपके हर रोज़ के रोज़मर्रा के खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस करनी है वेपन की, इक्विपमेंट की, या फिर आपको एम्यूनेशन भरना है, या जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा उन सब में, मोर ओवर रिपेयर्स ओवरहॉल, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारा जो पैसा खा जाती हैं, तो रेवेन्यू हेड में इसीलिए चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। एंड जो आपकी सैलरीज वगैरह हैं वो भी इसी में आ जाती हैं, तो दैट इज़ वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड में हमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्दो जो रेवेन्यू हेड है एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हेड है दोनों ने ही मार्जिनल इंक्रीज पाया है इन दिस ईयर्स बजट, लेकिन वो इंक्रीज इतना नहीं है कि हम उसको साइजेबल माने, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इंडियन एयरफोर्स के लिए किया गया है, क्योंकि हमने रफेल जेट्स वगैरह लेने थे एंड अब जो MiG-29 वगैरह ले रहे हैं तो वो सब चीज़ें एयरफोर्स के खाते में जा रही हैं। तो एयरफोर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है एट प्रेजेंट इस साल के लिए, अगर हम देखें इंक्रीज देखें अगर हम ओवरऑल, एंड इट इज़ फॉलोड बाय आर्मी। ओवरऑल अगर आप देखें तो आर्मी के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एंड इन द एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं एंड जो एरो इंजन्स हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, उनकी एक्विजिशन के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है फॉर ऑल द थ्री सर्विसेज। तो ये भी हमने देखना है कि इसका मतलब सीधा हमें जो एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर इसको इंडिजनाइज करने में काम करना ज़रूरी करना चाहिए थोड़ा, ठीक है। एंड अब जाते जाते वे फॉरवर्ड भी देख लें कि ओवरऑल अब हमने एनालाइज कर लिया, हमने ट्रेंड्स देख लिए कि कहां पर हम कैसे पैसा स्पेंड कर रहे हैं, दुनिया कैसे स्पेंड कर रही है ना। तो इसके लिए जो हर्ष वी पंत हैं एक स्कॉलर हैं तो उनका क्या कहना है कि दो तरीके की अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, या तो स्ट्रेटेजिक लेवल वाली अप्रोच फॉलो करें जिसमें हम अलायंसेस बनाएं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनको पार्टनरशिप में लें एंड उसके तहत हम जो इंडियन ओशन रीजन है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें, जैसे कि क्वाड है या फिर आपने वियतनाम, इंडोनेशिया, कतर, सेशल्स एट्सेट्रा इन सब के साथ मिलिट्री पैक्ट्स कर ले। तो एक तो ये तरीका है कि आप दूसरी कंट्रीज़ को एम्ब्रेस में लेते रहो। दूसरी चीज़ क्या है कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसके तहत आप जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उनके तहत अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको मॉडर्नाइज करते रहें एंड जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें, क्योंकि अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तो एक सैचुरेशन आती जा रही है ना, गवर्नमेंट इससे ज़्यादा पैसा नहीं स्पेंड कर सकती क्योंकि जो दूसरा सोशल सेक्टर है या आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर सारा पैसा हमने डिफेंस में लगा दिया। तो इसीलिए जो बजटरी शॉर्टफॉल्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपकी जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने जो FDIs वगैरह हैं वो बढ़ा दी हैं 74% तक कर दिया है। मोरओवर धीरे धीरे हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी एम्ब्रेस में लेना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल टू सम अप, जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट बनाई है ना, तो इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है कि हम अपनी जो प्रोक्योरमेंट्स है उनको सही साइनर्जी के तहत ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे हमारे पास रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं एंड एक साइड हो सकता है कि आपकी जैसे CDS को जो बना जो उसका
हमने एनालिसिस किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों होना चाहिए था, तो उसमें ये काफ़ी एक मेजर पॉइंट था कि रेप्लिकेशन होती रहती है चीज़ों को प्रोक्योर करने की। फॉर एग्जांपल आर्मी के पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, देन वी हैव द नेवी, देन वी हैव द एयरफोर्स, तो सबके पास अपने अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आप जॉइंट थिएटर कमांड्स वगैरह बनाएं तो उनमें वो चीज़ें डुप्लीकेटेड नज़र आएँ, कि हो सकता है कि उन्हीं के हेलीकॉप्टर्स ही एक फील्ड में यूज़ किए जा सकते थे। तो ऐसे डुप्लीकेशन बचाने के लिए एंड एक साइनर्जी लाने के लिए इन द डिफेंस फोर्सेस जो CDS है उनको बनाया गया था, ताकि हम एक कोहरेंट अप्रोच फॉलो कर सके। तो वही चीज़ हम चाहते हैं हमारे वे फॉरवर्ड में भी, हम इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट एट्सेट्रा है वो साइनर्जी से हो, एंड जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको थोड़ा इस ढंग से यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि हमारी जो टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो कोहेसिवली काम करे तीनों हमारे फोर्सेस के तहत। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।